तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में आप लोग हिस्टीरिया बोलते हैं। ये एक बहुत ही आम कंडीशन है, बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। हिस्टीरिया एक इस तरह की समस्या है जिसमें कि इंसान में कई तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं जो कि तनाव या स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। उसमें उन लक्षणों में जो सबसे ख़ास लक्षण है वो है मिर्गी जैसे लक्षण पड़ने लगे, जिसमें कि इंसान के हाथ पैर कांपने लगे, उसकी आंखों के और चेहरे के हाव भाव बदल जाए, वो ज़मीन पर गिर जाए या बेहोश हो जाए, और उसके पैरों में कमर में भी आपको मूवमेंट नज़र आने लगे, यानी कि वो हिलने लगे। तो इसको कहते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस या नकली मिर्गी। एक होती है जो मिर्गी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका दवाइयों द्वारा पूरी तरह से इलाज संभव है, निदान संभव है, और दूसरा है डिसोसिएटिव या डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस जब हिस्टीरिया भी कहते हैं। तो उसका इलाज मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं उनसे नहीं होता, उसका इलाज साइकोलॉजिकल हम लोग जो करते हैं थेरेपीज, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प की मदद से, बिहेवियर थेरेपी की मदद से किया जाता है। तो पहला लक्षण है मिर्गी जैसे लक्षण होना। दूसरा लक्षण है याददाश्त चली जाना, जिसे हम लोग डिसोसिएटिव एमनेजिया कहते हैं। तो उसमें इंसान अपना नाम, पता, कहाँ रहता है, ये सब भी चीज़ें भूलने लगता है। अब इस तरह के मरीज़ आपने देखे होंगे कि जिनको शॉक लग गया हो या जिनको बहुत ज़्यादा तनाव में हो और वो अपना नाम पता भी ना बता पाए, तो इसको कहते हैं डिसोसिएटिव एमनेजिया। तीसरा लक्षण है जिसको कहते हैं ट्रांस इन पजेशन, और जिसको आजकल आप देख रहे होंगे कई लोग उसको कहते हैं कि भूत और प्रेत की बीमारी हो गई है उसको। कई बार जो हमारे मरीज आते हैं वो बिना बताए घर से निकल गए और किसी और जगह पर चले गए और वहाँ पर अपना कोई और नाम रख लिया या कोई और अपनी आइडेंटिटी रख ली, तो इसको कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। कई बार इस तरह का होता है कि ऐसे मरीजों को हमें भर्ती रख करके भी इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप किसी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में चले जाएं, बेझिझक अपनी बात कहें, अपने लक्षण बताएं, वो मनोचिकित्सक उनके तनाव या स्ट्रेस को निकाल करके उनके कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो उनके मन में दुविधा चल रही है उसको दूर करेंगे, और वो दुविधा दूर होने के बाद उसके लक्षण धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक लक्षण होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हम लोग आपने कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा, जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी, एक ही इंसान में अलग अलग तरह के व्यक्तित्व वास करने लगते हैं। तो ये भी एक खास तरह का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, यानी कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं हिस्टीरिया, वही है ये भी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में एक ही इंसान अलग अलग तरह के पर्सनैलिटीज अपने शरीर में विकसित कर लेता है। कभी वह बच्चे की तरह व्यवहार करता है, कभी वह बूढ़े की तरह व्यवहार करता है, और कभी अपनी नॉर्मल जो सेल्फ है जो वो है उसकी तरह व्यवहार करता है। तो एक ही इंसान में अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ अगर रहने लगे तो उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। उसका भी इलाज साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ही है। आपने कई सारी पिक्चरों में भी देखा होगा, भूल भुलैया एक पिक्चर इस तरह की आई थी, और इसके अलावा एक साउथ की भी मूवी बनी थी, वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पर ही बनी थी। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा देखिए जांच और बहुत ज़्यादा खून की जांचें और अलग अलग तमामों डॉक्टरों से दिखा करके अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। एक मनोचिकित्सक से उसके कंसल्टेशन करें, और जो उसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं वो मनोचिकित्सक बाहर लाएगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा, और वो पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो हिस्टीरिया के ये कुछ लक्षण थे और मैंने इलाज के बारे में बताया। ये जानकारी ज़रूर आपको काम आएगी। अगर आपको लगे कि आपके आसपास या आपके घर में किसी को इस तरह के लक्षण हैं, तो अपने मरीज को आप किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए और उससे इलाज कीजिए। धन्यवाद।